नमस्कार, भगवत टीवी पर आपका स्वागत है। आइए आने वाली फिल्म माई डियर वाइफ की स्टार कास्ट से करते हैं बातचीत। तो चंदन कुमार का जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है उसके अंदर बताइए कि थोड़ा क्लासी लग रहा है, थोड़ा सा अलग हटके लग रहा है ये फिल्म, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सो अटेम्प्ट है, मेरे ख्याल से चंदन जी ने कंटेम्पररी रखा है फिल्म को, जो भी इश्यूज हैं, जो जो डिटेलिंग अच्छी है जो कपल्स के बीच में होती है, एट ए ह्यूमन लेवल आप जो फील करते हैं चीज़ें, उन्होंने बहुत उस पर ध्यान दिया एट द स्क्रिप्ट लेवल। बनाते वक्त उसमें और हम लोगों ने चीज़ें ऐड की और इसकी प्रिपरेशन खूब की हम लोगों ने, बिकॉज ये स्क्रिप्ट बहुत इंट्रिकेट स्क्रिप्ट है, नॉट एन ईजी स्क्रिप्ट। सेंटर में देखेंगे तो ज़्यादा देर लगेगा, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है कि आपको दे दिया, आपने एक दिन पहले पढ़ लिया और अगले दिन आप शूटिंग पे प्रिपेयर करके चले गए। इसमें बेसिकली प्रिपरेशन बहुत है, बिकॉज बहुत लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, बहुत ट्विस्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमने पहला एक हमारा जैसी वर्कशॉप की इंट्रेंस है। मैम आप कहना चाहूँगा कैसा अनुभव था और क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड थी, क्या तो सब लोग होते हैं। काफ़ी नर्वस थी, मेरी पहली फिल्म है एंड जैसे उन्होंने कहा काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। मैं एक्चुअली थिएटर बैकग्राउंड से थी, तो आदत है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट की और उसकी आदत है, और उसी तरह से हुआ ही कि रिहर्सल हुई पहले, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ बताया गया कि ये स्टोरी है, सेट पे जाके पता चल रहा है कि ये स्क्रिप्ट है, ये डायलॉग है, आप पढ़ लो, आप सोच लो उसके बारे में और फिर आप बोल लेना अपने सामने, ऐसा नहीं था। जो टाइम मिला काफ़ी अपना कैरेक्टर मिले जो कम से कम बजट में मैं उसको शूट कर सकता हूँ, और
अच्छी फिल्म हो, क्लासिक स्ट्रक्चर में हो, जो स्कूल से पास आउट होने का के बाद जो थॉट होता है उस थॉट के साथ मैंने ये मूवी बनाई। जो लोगों को लगता है कि यार अगर आपके पास फंड नहीं है, बहुत ज़्यादा फंड नहीं है तो आप फिल्म नहीं बना पाओगे, तो उसको ब्रेक करना था, तो उसमें शायद मैं काम। और जितने फिल्म फेस्टिवल्स में गए काफ़ी अप्लाउज मिला, उसके लिए कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ एज अ फिल्म मेकर आपका? सर फिल्म फेस्टिवल सोच के नहीं बनाया था मैंने कि ये फिल्म फेस्टिवल में जाएगा। जब मैंने बना लिया तो मैंने सोचा कि अब इसको मार्केटिंग कैसे करें, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये मूवी भी है। और जो फिल्म स्कूल के बच्चे जो पास आउट होते हैं वो इतने परेशान होते हैं कि यार अगर स्क्रिप्ट है तो मेरे पास फंड नहीं है, फंड है तो बड़ा स्टार नहीं है तो मैं क्या करूँ। देन मेरे पास सजेशंस आए कि इसको फेस्टिवल में भेजते हैं, अगर फेस्टिवल में अच्छा क्लिक हुआ तो ये आगे कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाएगा। देन और जो थिएटर आर्टिस्ट को कास्ट किया उसके पीछे क्या वजह रही है कि? सर ये रियल टाइम ड्रामा था, वन नाइट स्टोरी थी, पूरी फिल्म नाइट शूट करना था मुझे, मुझे रियल शूट चाहिए था, 30 से 31 दिन का शूटिंग था, मैंने उसको 17 दिन का मुझे रैपअप करना। तो एक थिएटर आर्टिस्ट ही कर सकता है, कोई बड़ा स्टार बिल्कुल नहीं कर सकता और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और रियली थिएटर स्टार करने का एक एक फ़ायदा मिला था, अच्छी आदत कुछ भी कर watching Bagbag TV channel for interviews and events coverage. Contact on 989-204-6798. Please subscribe Bagbag TV channel and press bell icon for latest videos.